टीआरसीपी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री 13 जिलों की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तीन चार चीज़ हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच होकर चंबल निकल रही है, मध्य प्रदेश का हिस्सा उसमें है, इसलिए यह अनिवार्य है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सहमति लें, एनओसी लें और 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर योजना बनाएं, क्योंकि देश में आज तक कोई राष्ट्रीय परियोजना ऐसी घोषित नहीं हुई जो 75% वाटर डिपेंडेबिलिटी, इन्होंने 50% वाटर डिपेंडेबिलिटी पर योजना बनाई है। और मैं आप दौसा में मेरे से पूछ रहे हो, दौसा में 13 बड़े बांध हैं, उनमें से केवल एक मोरेल में पानी आ रहा है, तो मेरी मांग है दौसा सहित अन्य जिलों में जो बांध इस योजना में जुड़ने से रह गए उनसे जोड़ा जाए। और एक मांग और करूँगा मुख्यमंत्री जी से कि पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो योजना अटल जी के समय चिन्हित हुई थी, उसके भी प्रस्ताव भेजे जाए ताकि ईआरसीपी के साथ वो भी सेंक्शन हो सके और हमारे इलाके में पानी आ सके। मैं कलेक्टर साहब से मिला था 3 दिन पहले, कल फिर मिलूँगा, इजाज़त नहीं दी तो हम ईआरसीपी पे 9 अगस्त को नांगल प्यारीवास में बड़ी सभा रखेंगे। संसाधन मंत्री राजस्थान का है, मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके, मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव में इसकी घोषणा की थी कि 13 जिलों के पानी की योजना को मैं बहुत जल्दी इसको चालू कराऊंगा। इन जिलों के पीने का पानी 2 लाख हेक्टेयर, खुद मोदी जी अपने भाषण में 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी 13 जिलों में, उस चीज़ याद मुकर रहे हैं, मोदी जी साइलेंट है जबकि मंत्री कह रहा है। उन्होंने इस काम को रुकवा दिया, जो राज्य सरकार करना चाहती है उसको भी रुकवा दिया। और हम मोदी जी से फिर कह रहे हैं, राजस्थान की जनता से जो वायदा किया 13 जिलों के उस पूर्वी नहर का प्रोजेक्ट परियोजना राष्ट्रीय परियोजना बनाने का, आप उसको जल्दी अपनी परियोजना बनाएं। राजस्थान की जनता ने आपको 25 के 25 एमपी दिए, अगर ये परियोजना नहीं हुई तो अगली बार मोदी जी राजस्थान में 0 आने वाला है। कार्यकर्ताओं को, पार्षद, सरपंच, पूर्व जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस के कार्यकर्ता सबको बुलाकर इस सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं, ईआरसीपी को बंद करने के लिए इन्होंने जो किया है, उस सबको घर घर जानकारी पहुंचाने के लिए, और इसको मोदी जी का जो वायदा है उनको बताएंगे मोदी जी ने वायदा किया था, और मंत्री ये कह रहा है कि ये हमने वायदा किया ही नहीं।